बात आती है स्कूटी की, तो ये पर्पस आप देख सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है वो पेड़ पौधे, कुछ भी सामान हो रिलेटेड, बड़ा सामान हो, लगेज हो, यहाँ पे लेके जा सकते हो। अभी मैं बात कर रहा हूँ ना इस स्कूटी की, हीरो की डेस्टिनी है, डेस्टिनी 125, ग्रे कलर में आती है, डार्क ग्रे कलर में डेस्टिनी 125 लिखा है। यहाँ पे हीरो की बैजिंग आप देख सकते हो। और बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं ना जो जुपिटर प्रेफर करते हैं, बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं कि होंडा की एक्टिवा प्रेफर करते हैं, लेकिन ये जो भाई साहब है ना, उन्होंने जो है वो डेस्टिनी सिलेक्ट की। हीरो की जो गाड़ियाँ होती है ना, बहुत मतलब अभी जब अगर कंपेयर करते हो होंडा से और या फिर टीवीएस से, तो बहुत उनका जो सेल है वो कम देखने को मिलता है। हीरो होंडा का ज़माना आता था तब, जो एकता थी उनकी, जो जुड़े हुए थे ना, जो मज़ा आता था काफ़ी, जो बाइक जब आप उनकी परचेस करते हो तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था, माइलेज को लेके रिलेटेड हो या फिर कोई एवरेज को रिलेटेड हो, इससे काफ़ी आपको दुगना एवरेज और माइलेज आपको देखने को मिलता है। हीरो की बेजिंग आती है, हीरो की बेजिंग यहाँ पे पर्टिकुलर आप देख सकते हो, जो हीरो है वो यहाँ पे जो है वो प्लेसमेंट यहाँ पे कर दी है। यहाँ पे नंबर प्लेट है क्लियर, हेलोजन बल्ब के साथ आती है, एलईडी डीआरएल के साथ मेरे ख्याल से शायद आती है, 1 LED DRL विथ हेलोजन बल्ब, और यहाँ पे सेटल क्रोम फिनिशिंग यहाँ पे दे दी गई है। जब यहाँ पे बात आती है ऐसे टायर की, तो टायर प्रोफाइल यहाँ पे सिमिलर जो है वो ऑटो रिक्शा का आपको देखने को मिलता है, जो है वो पर्टिकुलर अपोलो के टायर आपको देखने को मिलते हैं। ग्रैब हैंडल की बात करते हो तो यहाँ पे ग्रैब हैंडल है, नॉर्मल से ऐसी जो है वो डे टाइम जो रनिंग लाइट्स है वो यहाँ पे कंट्रोल्स दे दिए गए। हॉर्न की प्लेसमेंट यहाँ पे है, हीरो की बेजिंग यहाँ पे हाफ एनालॉग हाफ डिजिटल उस स्टाइल में आता है। 120 तक मार्किंग आप यहाँ पे देख सकते हो, i30S यहाँ पे बेजिंग लिखी हुई है। यहाँ पे एक अच्छी चीज़ क्या है ना, अभी ये जो बाइक है वो शायद मेरे ख्याल से BS4 में आती है, BS6 में आती है, BS6 में आती है। BS6 की गाड़ी की अगर आप, यहाँ पे मेरी TVS रेडर खेरा मैं हमेशा व्लॉग में दिखाता रहता हूँ, हमेशा जानते हो BS6 का ट्रेंड क्या है। यहाँ पे अगर साइड स्टैंड यहाँ पे आप देख सकते हो, सिंबल है, वार्निंग है, जब भी कभी आप साइड स्टैंड अगर भूल जाते हो ना तो गाड़ी अपने आप जो है वो ऑटो कट इंजन बंद कर लेती है। इग्निशन यहाँ पे उन्होंने ऑन रखा है, इग्निशन आप देख सकते हो नॉर्मल से इग्निशन आता है, जो इलेक्ट्रिक बाइक्स आती है ना, जो कीलेस आती है वैसे कुछ नहीं आता है। डिज़ाइन एलिमेंट सिमिलर थोड़ी बहुत जुपिटर से मिलती है। विड्थ की बात करें, डायमेंशन की बात करें, तो सेम टू सेम जुपिटर की जो विड्थ है वैसे आपको देखने को मिलती है। पीछे अगेन आपको हेलोजन लाइट के साथ एक जो है वो इंडिकेटर, टर्न इंडिकेटर आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे अगेन 3D बेजिंग, डेस्टिनी 125 आवर आप देख सकते हो। स्कूटी के जो पर्पज होते हैं ना, वो इस बाइक में ऐसे आपको देखने को नहीं मिलते। अभी इन्होंने जो पौधे यहाँ पे लेके जा रहे हैं ना, ये प्लांट लेके जा रहे हैं, ये आप बाइक में कहाँ ही रखोगे, कहाँ ही लेके जाओगे, लेके नहीं जा सकते, प्रॉब्लम आ सकता है। तो यहाँ पे टेलीस्कोप सस्पेंशन के साथ जो है वो आपकी स्कूटी आती है। जो आप बात करते हो आप हीरो की, तो एक यहाँ पे फ्यूल लीड दे दिया गया। हीरो की बेजिंग जगह जगह है, मतलब TVS की बात करते हो ना तो 3D बेजिंग के साथ आता है। और मुझे अच्छी चीज़ एक नहीं लगती, अगर आप वॉशिंग के लिए गाड़ियाँ TVS की देते हो या फिर होंडा की देते हो ना, तो बड़ा बड़ा सा लोगो आता है। इनका जो अच्छा है वो स्टिकर फिनिशिंग के साथ है। सर्विस करने जाते हो बाइक तब उधेड़ा नहीं जाएगा। डेस्टिनी 125 की जो बेजिंग आती है ना, वो थोड़ी सी 3D टेक्सचर आपको देखने को मिलता है। अगेन आपको सेटल क्रोम फिनिशिंग यहाँ पे हाईलाइट देखने को मिलता है। चौक की यहाँ पे प्लेसमेंट यहाँ पे कर दी गई है, टर्न राइट टर्न लेफ्ट टर्न इंडिकेटर यहाँ पे है, जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। टर्न इंडिकेशन वार्निंग है, साइड स्टैंड जो है वार्निंग है, जो है फोकस लाइट, हाई बीम लो बीम का लाइट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इग्निशन ऑन रखा है। अभी तो लमसम मेरे ख्याल से कितने किलोमीटर चल चुकी है, तीस हज़ार के ऊपर हो गई है गाड़ी, तो कितना मज़ा आया आपको, आप सेटिस्फाइड हो इस गाड़ी के साथ। लेकिन जो बाइक होती है ना, वो बाइक आपको तो पता है, खैर ऐसी बहुत सारी ऐसी जो होते हैं, जो लगेज होते हैं या फिर बैग होते हैं, वो आप अकेले हैंडल नहीं कर पाते या फिर अकेले नहीं लेके जा सकते, तो प्रॉब्लम क्या आता है, दिक्कत क्या आती है। तो यहाँ पे जो बाइक है अभी स्कूटी के साथ आप जा रहे हो, तो ईजिली आप मतलब अकेले ट्रैवल कर सकते हो, सोलो ट्रैवल कर सकते हो विथ योर लगेज, मतलब जो भी कुछ है सामान हो पर्टिकुलर वैसे। तो आप सेटिस्फाई हो इस डेस्टिनी 125 से? सेटिस्फाई हूँ मैं, बहुत अच्छे से एवरेज भी दे रही है, अच्छे से अच्छा एवरेज है, और कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, तकलीफ नहीं है कुछ। किधर मतलब आप कितने किलोमीटर, अगर आप जब ये कम्यूट करने के लिए बेसिकली होती है जो गाड़ियाँ, आप ऐसे जो बाइक्स है वो ज़्यादातर के जो कवासकी वगैरह बाइक्स आती है, जो 400-400 किलोमीटर के फासला इजीली तय कर पाती है, ऐसे बाइक नहीं, ये कम्यूट करने के लिए डेली होती है, ये कम्यूट पर्पस के लिए लिया आपने। तो एक दिन का कितना ट्रैवल लमसम करते हो? 300 किलोमीटर से ज़्यादा कर जाता हूँ। अब मैं यहाँ से मालवन से देवगढ़ तक जाता हूँ, देवगढ़ से पडेल कंटिंग से वागोटा। मतलब जो आपका ट्रैवलिंग होता है वो 80 किलोमीटर के अंदर होता है, लेकिन 80 किलोमीटर के अंदर एक बार टैंक टंकी मतलब फुल करवाते हो तो कितना माइलेज क्लेम कर सकती है? 55 तक एवरेज जाता है मेरा।
55 तक माइलेज आता है विद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। सच में बता रहा हूँ भाइयों, 55 तक माइलेज गेन करना, मतलब जो ये इन्होंने चॉइस रखी है ना, बहुत सारे बंदे होते हैं डायरेक्टली जाते हैं शोरूम में टीवीएस की जुपिटर उठा के लाते हैं, लेकिन जो हीरो की जो डेस्टिनी है ना वो 55 का माइलेज ऑन रोड क्लेम करती है, ये दावा ये करते हैं और इन्होंने निकाली भी है। ये जो है वो रियलिटी होती है हीरो की। बहुत सारी ऐसी गाड़ियां होगी ना, आपको नहीं देखा होगा, भी ट्रस्ट और दावे के साथ आपको भरोसा ज़्यादा नहीं देती, बाद में आपको माइलेज रिलेटेड क्वेरी आती है बहुत सारी। अभी ये जो है मेरी रेडर, उनको उसके भी माइलेज की तकलीफ है, 2 लीटर में अभी 200 किलोमीटर भी चल नहीं पाती, 157 किलोमीटर में अभी फ्यूल की वार्निंग बता रही है। लेकिन भाई साहब यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आने पर भी टीवीएस जुपिटर भी 55 का माइलेज क्लेम नहीं कर पाती, लेकिन 55 के ऊपर ये माइलेज क्लेम कर जाती है। यहाँ पे बूट है, बूट स्पेस, बूट कैरिंग कैपेसिटी आप जानते ही हो, खैर सिमिलर। और यहाँ पे देखते हो ना, जो बूट जो स्पेस है ना, यहाँ पे थोड़ा सा विड्थ है ना उसकी, मतलब डीप है थोड़ा सा यहाँ से, और थोड़ा सा ऐसे ऐसे घिस के ऐसे नीचे चला जाता है, तो यहाँ पे लाइट। और एक अच्छी चीज़ यहाँ पे बता दूँ, इनकी जो स्कूटी में ना, यहाँ पे हीरो डेस्टिनी में 125 में जो है वो इन्होंने, हीरो ने एक अच्छा जुगाड़ क्या कर दिया है, बहुत सारे ऐसे कम जो है वो कंपनियाँ देती है, अंदर लाइट प्लेसमेंट कर दिया, तो आप अंधेरे में भी अपना सामान अच्छा ऐसा रह सकते हो, और अच्छा खासा डेली यूज़ आता है, मतलब एक गॉगल सनग्लास रख सकते हो, एक कपड़ा वगैरह आपका है, क्लॉथ्स है वो रख सकते हो, एक छोटी एक मतलब 5-6 लीटर के अंदर वाली छोटी बैग भी आप पैक करके रख सकते हो, बहुत सारे ऐसे यूज होते हैं। और मेरे ख्याल से ये जो बूट है ना, ये जो आप बूट देख रहे हो पर्टिकुलर, अभी ये लॉक हुआ है खैर, तो ये बूट आपको होंडा एक्टिवा और जुपिटर से भी थोड़ा सा इसकी डीप, थोड़ा सा ये है ना, थोड़ा सा डीप है, थोड़ा सा ऐसे नैरो होके ऐसे थोड़ा सा टिल्ड होके झुका हुआ है, तो यहाँ पे आपको उसका अगेन आपको बेनिफिट मिलता है कि आपको थोड़ा सा बूट अच्छा खासा मिल जाता है। तो ऐसे कुछ यहाँ पे जो है वो स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते हैं। कितने मतलब कितने लीटर की फ्यूल टैंक है ये? 7 लीटर की टंकी है। 7 लीटर की टंकी है, 7 लीटर में कितना जो है वो एग्जैक्ट किलोमीटर करती है ये बाइक? 350-400 तक हो जाता है, 400 से ऊपर, मतलब कमाल है यार। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होने के बावजूद बिना ये जो बाइक है, ये जो स्कूटी है ना, वो 300-350 किलोमीटर तय करती है और 7.5 लीटर में टंकी। और BS6 का प्रॉब्लम क्या है पता है आपको? BS6 की जो है ना वो BS6 की बिल्ड क्वालिटी अभी जो करते हैं ना वो थोड़ी सी लो रखते हैं, और इंजन की परफॉर्मेंस भी बढ़ता है, माइलेज भी बढ़ता है, लेकिन जब बात आती थी BS4 में ना 1 लाख रुपए के अंदर बाइक आती थी। ये बाइक आपको कितने में पड़ी? 4 साल हो गए अब ये गाड़ी को। 4 साल हो गए, 4 साल, 4 साल में शायद BS6 है कि BS4 है? ये 4 है, ये BS4 है ना? हाँ, तो BS4 लेके आपको 4 साल तो हो चुके हैं। BS4 मुझे लगी ही ये, क्योंकि BS6 नहीं होगी। साइड स्टैंड वार्निंग तब आती थी मेरे ख्याल से, लगता है तब से लेके स्टार्ट हुआ है ये BS4 के बाद, ये BS6 आया। अभी तो क्या कर दिया उन्होंने, यहाँ पे जो स्कूटी है ना, यहाँ पे आप अभी आप दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे जो स्कूटी है वो वहाँ पे अभी जो जितने भी सारी स्कूटियाँ देखने को मिलती है, यहाँ पे अभी किक है तो आपको किक देखने को नहीं मिलती है BS4। मुझे आपको क्या सबसे अच्छा लगता है, ये किक होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए पता? होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप रात में निकलते हो किधर जाते हो तो प्रॉब्लम क्या होता है, कीलेस। अभी ये देखो अपनी बाइक क्या हालत हो रखी है, जो है वो चोक रिलेटेड हो या फिर किक रिलेटेड हो, कोई भी प्रॉब्लम हो ना, गाड़ी खुद ना खुद ECM बॉक्स होता है, इलेक्ट्रॉनिक हैंडल करता है कितना चोक देना है इंजन को, वो BS6 अपने आप हैंडल करता है। अभी जुपिटर भी देखो BS6 का हालत हो रखी है, सेंसर पूरा दे रखा है, किट अपने आप डिसाइड करेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक है, कभी ना कभी प्रॉब्लम आ जाएगा तो आपके लेने के देने पड़ सकते हैं, आप रास्ते में रह सकते हो। BS4 की जब बात आती थी तो एक किक के साथ आती थी, नॉर्मल सा यहाँ पे आप देख सकते हो जो है वो इग्निशन आपको देखने को मिलता है स्टार्ट स्टॉप करने के लिए, नॉर्मल से ये है वो i3S की बेजिंग है, कुछ इंटेलिजेंट 3S नाम की कुछ बेजिंग आती थी, ब्लू कलर में बटन आता था, ये दबाने पर ऑटोमेटिक ट्रैफिक में बंद हो जाता, ट्रैफिक में सेकंड के बाद बंद होती है, डायरेक्टली ब्रेक पकड़ो, और मतलब कमाल है। छोटे छोटे फीचर्स उस टाइम दिए थे, वो प्रैक्टिकल है, जुपिटर में भी इतने फीचर नहीं आते थे जो BS4 की, जब 2000 में लगभग 2018 के ऊपर ही जो आया था ट्रेन, और जबरदस्त क्वालिटी के साथ आती थी, और हाँ ये इग्निशन भी अच्छी तरह से वर्क करता है अभी भी आज तक इतने इस्तेमाल किए, अभी भी 1% भी इंजन की शिकायत नहीं है, बॉडी रिलेटेड कोई शिकायत नहीं। ऐसी होती है चॉइस, जो एक बार पकड़ लो ना, अपना जो पैसा है ना वो अच्छे खासा
ऐसा यूजफुल ये जो प्रोडक्ट रखता है इसको कहते हैं ट्रस्ट। और ये जो ट्रस्ट किससे बनता है, हीरो से बनता है। हीरो की बेजिंग यहाँ पे कोई क्रोम फिनिशिंग नहीं है, नॉर्मल से जो है हीरो की बेजिंग यहाँ पे देख सकते हो। इग्निशन तो बंद रखा है। कह रहे i3 मतलब क्या, जब रेड जैम होता है, ट्रैफिक रेड लाइन में रुकते हो तो ऑटोमेटिकली वो स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी तो खैर आप जानते हो वो बंद कर लेती है। क्रोम फिनिशिंग के साथ आती है अगर हैलोजन प्लेसमेंट है। उस टाइम को इतना ज्यादा एलईडी और मॉडर्न जमाना नहीं हुआ करता था, तो वैसे कुछ बाइक रिलेटेड है। तो ये थी कुछ मेरी जो ऑनेस्ट ओपिनियन इस हीरो की डेस्टिनी से रिलेटेड। जो ये जो बंदे हैं वो जो बंदे अर्न करते हैं डेस्टिनी 125, ये जो ओनर है वो फुल्ली सेटिस्फाइड है इस बाइक के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करें OMY007 को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।